जी शाहिदा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आवाज़ आ रही है शाहिदा आपको? जी इरम, क्लियर है वॉइस बेटा? बाकी सबको भी बोलेंगे ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। सबको बोले ऑनलाइन आ जाए ताकि हम लोग स्टार्ट करें। इरम अरे आप
नाजिया सलमा सबको आवाज की लहर है मेरी समीना आयरन जी शमीम आवाज लहर है बेटा आपको First of all, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है जो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन हेल्थ एंड एड्रेस द मेजर हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान नंबर 26 इज स्टैटिस्टिकल डिफरेंस हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान नंबर 3 इज द टू फॉर इंफेक्शन डिजीज इन पाकिस्तान एंड नंबर 4 इज द एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हॉकी सर्विस इन पंजाब पाकिस्तान एंड एट द एंड आप थोड़ा सा रिफ्रेश करें इसको ठीक हो जाएगा ये explain different health care delivery system in Pakistan. So first of all, according to the WHO definition and we take health care of the so according to the WHO, health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of the disease or infirmity. मतलब वो कह रहा है कि health जो हमारी World Health Organization है उसके according उसने जो definition दी है वो कह रहा है कि complete physical, mental और social well-being. उसमें ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉट जस्ट मेरी इट एब्सेंस ऑफ डिजीज सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान तो हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री ठीक है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो एक मेजर इंडिकेटर है वो उसकी हेल्थ होती है बट अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर इज स्टिल नॉट सेटिस्फेक्ट्री इन पाकिस्तान लेकिन वो कहता है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है पाकिस्तान के अंदर सो मेजर हेल्थ क्राइसिस अगर देखें पाकिस्तान के अंदर तो डेंगू की एपिडेमिक हो सकते हैं डिफरेंट एपिडेमिक से जैसे आजकल कोविड है ठीक है तो इससे पहले डेंगू था फिर पोलियो है थैलेसीमिया है ब्रेस्ट कैंसर है विटामिन एंड इंफेंट जो है वो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज है आपके पास तो अगर बात की जाए थैलेसीमिया की तो थैलेसीमिया इज वन ऑफ द राइज इन पाकिस्तान एंड स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट अबाउट 3,000 to 4,000 चिल्ड्रन आर बोर्न विद द मोर देन वायलेंट फॉर्म ऑफ डिजीज ठीक है जिसको हम कह सकते हैं कि एवरी ईयर जो है वो थैलेसीमिया जो है वो एक मेजर साइज के साथ मूव कर रहा है इसमें 3,000 to 4,000 जो है वो इसके इंडिकेटर है ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो इसमें आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 in every 9 Pakistani women is likely to suffer from breast cancer, which is one of the highest indication incidence ratio है वो एशिया के अंदर मतलब तकरीबन वो कहते हैं approximately 9 every 9 जो women है वो suffer करती है आपकी breast cancer से डेंगू फीवर की अगर बात करें epidemic wise जो है वो ये endemic है पाकिस्तान के अंदर with the season rise in cases और इसके cases जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो रेज कर रहे हैं और जो डेथ रिपोर्ट हो रही है फ्रॉम 2006 से लेके 11 तक भाई डेंगू फीवर वो आपके सामने चली गई है जैसे 2006 में 41 हुई थी 2007 में 18 है 2008 में 17 है 2009 में 13 है 2010 में 14 है एंड 2011 में 210 है नेक्स्ट जो बात हमने की है वो है एपिडेमिक है वो है पोलियो सो इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन विच पोलियो बिलेटल हैव नॉट बीन इरेडिकेटेड कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे वो कम्प्लीटली इरेडिकेट जो है वो नहीं हुआ जैसे 2008 की आप देखें रेशो क्या आ रही है 2009 की रेशो देखें 2010 की देखें ये 11 की है ये 12 की है ये 13 की है तो इस पर इस तरह से जो है वो रेशो वाइज उन्होंने डिस्कशन की है मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ या उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है कहते हैं तो 2010 मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर 100,000 बर्थ्स फॉर पाकिस्तान इज 260 यानी कि जो पर मॉर्टेलिटी रेट आप कह सकते हैं कि 1 लाख में से जो है वो तकरीबन 260 है दिस इज कंपेयर्ड विद द 376.5 इन 2008 एंड 541 इन
मतलब अब जो है वो आपका थर्ड ग्रेड जो है, टेंथ ग्रेड जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है था अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्ड्स इन 89 एंड दी नेटल मॉर्टेलिटी एज ए परसेंटेज ऑफ अंडर 5 मॉर्टेलिटी इज 48। सो इन पाकिस्तान अगर देखें तो ओवरऑल नंबर ऑफ मिसाइल्स जो है वो पर 1000 लाइफ बर्ड्स जो है वो 10 है। उसके बाद लाइफ टाइम रिस्क जो है फॉर डेथ फॉर दी प्रेगनेंट वुमेन इज 1 in 93 है। सो द रेबिलिटी इज दैट 80% ऑफ दी मेटरनल डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। तो जो 80% जो मेटरनल डेथ्स हैं सिर्फ वो प्रिवेंटेबल बात करें तो उसमें आपकी बात ज़्यादातर जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं वो आ जाती है। उसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है आपके पास, वायरल हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, डायरिया है, डायसेंट्री है एंड स्केबीज है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ है जो कि आपकी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की अगर बात करें तो हेल्थ केयर इन पाकिस्तान इज एडमिनिस्ट्रेड मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल द आउट पेशेंट विजिट। ठीक है, हेल्थ केयर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मेनली जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है और वो 80% जो है वो आउट पेशेंट विजिट्स आपको प्रोवाइड करता है। द पब्लिक सेक्टर वॉज अनटिल रिसेंटली लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हाउएवर द मिनिस्ट्री वॉज एबॉलिश्ड इन जून 2011 एंड ऑल हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली प्लानिंग एंड फंड एलोकेशन वर डिवेलप्ड टू प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट विच हैड अंटिल नाउ बीन द मेन इंप्लीमेंटर ऑफ द पब्लिक सेक्टर हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो मतलब सारा का सारी जो फंडिंग आनी है आपकी हेल्थ के इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, हेल्थ के सिस्टम की बेटरमेंट लाने के लिए, वो सारी की सारी मिनिस्ट्री से मूव करनी होती है आपके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो अगर काम जो है वो मिनिस्ट्री से स्लो है तो आगे जो है वो प्रोविंस के अंदर जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो स्लो होती चली जाती है। नेक्स्ट है आपके पास हेल्थ सर्विसेज इन पंजाब। हेल्थ डिपार्टमेंट इज द की डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड बाय द पीपल ऑफ द पंजाब विद द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटीज एंड द इंटायर पॉपुलेशन। अब हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास एक ही डिपार्टमेंट होता है ओवरऑल डिफरेंट प्रोविंसेज का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ कम्युनिटीज की और एंटायर पॉपुलेशन की। अब द सर्विसेज फॉर द पंजाब आर प्रोवाइडेड थ्रू ए वेल डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, हर जो प्रोविंस है वो उसे अपनी अपनी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो द सर्विसेज फॉर द पंजाब आर प्रोवाइडेड थ्रू ए वेल डिजाइन डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ वर्ल्ड डिपार्टमेंट अक्रॉस द प्रोविंस इज डिवाइडेड इन टू। इसलिए अब आपके पास 246 डिवाइडेड इन टू कितने वी एच यूज हैं आपके पास उसको देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, 2461 बेसिक हेल्थ यूनिट। ठीक है,
ये सारे के सारे जो है वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। बाकी 293 रूरल हेल्थ सेंटर है, RHC जिसको बोलते हैं, 88 जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ठीक है। आवाज क्लियर है बेटा? बी स्टूडेंट्स, अब आवाज क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास हाँ जी आवाज आ रही है बेटा, अब मारिया, अब आवाज क्लियर है बेटा? अच्छा, उसके बाद साइमा, हाँ जी, अब आवाज आ रही है सुबह? जी स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, नेक्स्ट जो है वो उसने बताया है, बस इतनी ही, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। आप उसको रिफ्रेश करें बेटा, आप अपना नेट फ्रेश करें, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। सॉरी टू से, आप अपना जो है उसको फ्रेश करें। 34 जो है उसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की मैंने बात की है, 23 टीचिंग और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसने कहा है हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो पंजाब के अंदर वो प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज हैं, प्रिमेटिव सर्विसेज हैं, क्यूरेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज के अंदर जो है वो प्रिवेंटिव केयर रेफर्स टू द मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज, ठीक है। मतलब जो कि कोई भी डिजीज़ आ जाती है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, किसी किस्म की कोई एक्सीडेंट मेजर हो गया है, इंजरी हो गई है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रैदर देन क्योरिंग देम फॉर ट्रीटिंग देयर सिम्टम्स, और उनके सिम्टम्स को हमने ट्रीट नहीं करना होता। नेक्स्ट आ जाता है प्रिमिटिव केयर। प्रिमिटिव केयर में दीज सर्विसेज आर डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ एंड इट्स डिटर्मिनेंट एंड देयर बाय इम्प्रूविंग देयर हेल्थ। मतलब जब हम क्या करेंगे, कॉजेटिंग फैक्टर्स जो है वो किसी भी डिजीज के, उनको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आगे फर्दर जो है वो डिजीज आगे प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब डिजीज के जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना जो होता है वो प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर, ठीक है। हम उनको क्या करते हैं, हम उनके ऊपर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्यूरेटिव केयर सर्विसेज जो है, क्यूरेटिव केयर इज द काइंड ऑफ हेल्थ केयर ट्रेडिशनली ओरिएंटेड टुवर्ड्स सीकिंग ए क्योर फॉर एन एग्जिस्टिंग डिजीज और अ मेडिकल कंडीशन। क्यूरेटिव में अ काइंड ऑफ डिजीज वी कैन से जो कि ट्रेडिशनली ओरिएंटेड होती है, जिसमें आपने क्योर लेना ही लेना होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिजीज जो है उनके अंदर हम बात करते हैं। लॉन्ग टर्म डिजीज के अंदर जो है वो स्पेशली हम इसीलिए, इसी तरह से क्यूरेटिव केयर जो है वो डिज़ाइन ही इसलिए की गई होती है ताकि चीज़ों को जो है हम आइडियलाइज कर सकें, जो इस किस्म की कंडीशंस हैं उनको जो है वो इस कैटेगरी के अंदर डाल के जो है वो उसकी प्रिवेंशन कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज इन पंजाब, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। मतलब इसमें आप क्या करते हैं कि आप डिसेबिलिटीज को ट्रीट करते हैं और रिलायंस पे बात करते हैं। दिस इंक्लूड्स मीटिंग द फिजिकल, साइकोसोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द पेशेंट। और इसमें हम लोग जो बेसिक बात करते हैं ज़्यादा,
उसमें फिजिकल है, साइको सोशल है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स हैं पेशेंट्स की एंड देयर फैमिलीज, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग दी नर्सिंग एंड रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस। और जो मेन हम बात करते हैं वो रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस की बात करते हैं। सच सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल, ठीक है, और वो सारे के सारे पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें इन पेशेंट और आउट पेशेंट सेटिंग्स दोनों आ जाएंगी, ठीक है। एंड लेवल ऑफ केयर्स जो है वो इसके अंदर डिफरेंटली इन्वॉल्व होते हैं, इन लेवल ऑफ केयर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने बात करनी होती है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आउटरीच एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज होती है, ठीक है, विच फोकस ऑन इम्यूनाइजेशन, सैनिटाइजेशन, मलेरिया कंट्रोल, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सैनिटेशन है, इम्यूनाइजेशन है, मलेरिया कंट्रोल है, मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग है, तो ये सारी की सारी आपकी आउटरीच या कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज आ जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है वो प्राइमरी केयर फैसिलिटीज इंक्लूड बेसिक हेल्थ यूनिट BHUs आ जाती हैं, रूरल हेल्थ सेंटर आ जाते हैं, RHCs आ जाते हैं, मेनली प्रिवेंटिव पे वो काम करते हैं, आउट पेशेंट एंड बेसिक इन पेशेंट केयर के ऊपर, ठीक है, आउट पेशेंट और बेसिक इन पेशेंट केयर के ऊपर वो लोग काम करते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर में तहसील हेडक्वार्टर CHQ हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं फॉर आउट पेशेंट, इन पेशेंट एंड ऑल्सो स्पेशलिस्ट केयर के लिए। टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज फॉर मोर स्पेशलाइज इन पेशेंट केयर, ठीक है। पंजाब हेल्थ प्रोफाइल अगर देखा जाए तो हेल्थ इंडिकेटर्स ये साथ में दिए हुए हैं, जिनकी वैल्यूज दी हुई हैं, अगर आप इसको देख सकते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ जो है वो 77 है। इसी तरह से जो मटर्नल मॉर्टेलिटी है वो 10,000 बर्थ्स में से 300 है, ठीक है। अंडर फाइव जो है मॉर्टेलिटी रेट 1000 बर्थ्स अगर हुई है तो उसमें से 1.2 है, एंड अंडर न्यूट्रिशन लेस देन 5 जो है वो 34 है। टोटल फर्टिलिटी रेट 4.7 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो 64 है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है वो 151 है। डिस्पेंसरीज जो हैं वो आपकी 194 हैं, और जो आपके रूरल हेल्थ सेंटर हैं वो आपके जो है वो 293 हैं, और बेसिक हेल्थ यूनिट वो आपके वो 2461 है, और नंबर ऑफ बेड्स जो है वो 37,272 है। ये सारे के सारे क्या है, ये नंबर ऑफ बेड्स की मैंने बात की है, ठीक है, और ये वो टोटल स्टैट है जो कि आपने इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस करना है। तो दिस इज़ मैं इसको आप दोबारा लोगों को शुरू का समझ नहीं आया था, मैं शुरू से रिपीट कर देती हूँ आवाज़ की वजह से। इरम बच्चे आपको आवाज आ रही है इस वक्त? इरम आपको आवाज क्लियर है? जी मैं मुना, आपको आवाज क्लियर आ रही है इस वक्त? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? इरम मैं मुना, ओके बेटा, ये आज ये कॉलेज का सिस्टम है और कॉलेज के कंप्यूटर से मैं ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्रेश किया है, ठीक है, तो अब कुछ बेहतर हुई है, ओके, ट्राई टू लिसन दिस। बेटा ये जो सिस्टम है ना, ये कॉलेज का है, इस वक्त मैं लैब में बैठ के ले रही हूँ। रोहिल कह रही है कि अब वॉइस क्लियर है। इरम कह रही है अच्छा इस वक्त ठीक है मैं मुन्ना या नहीं? ओके मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे, डिफाइन हेल्थ एंड इंडेक्स द मेजर हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है, डिस्कस द स्टैटिस्टिकल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो इनलेस द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन पाकिस्तान, इनलेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन पंजाब पाकिस्तान, एक्सप्लेन डिफरेंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान। बेसिकली हमारा जो यूनिट था वो था हेल्थ केयर स्टेटस, मतलब
ओवरऑल जो हेल्थ का स्टेटस है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है, ठीक है। तो हेल्थ की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एज पर अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मेलिटी, ठीक है। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन है। आगे हेल्थ केयर पाकिस्तान के अंदर हमने देखी थी तो कहता है हेल्थ इज वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। यानी अगर किसी कंट्री को आपने देखना है कि वो कितना ज़्यादा डेवलप है तो आप उसकी वहाँ का हेल्थ का जो इंडिकेटर है उसको पिक करेंगे और उस पर बात करेंगे। बट कहता है अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर इज स्टिल नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन पाकिस्तान। लेकिन जो हेल्थ की कंडीशन है वो पाकिस्तान के अंदर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। मेजर हेल्थ क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता है डिफरेंट आए दिन एपिडेमिक्स आ जाती हैं, जैसे डेंगी फीवर है, पोलियो है, थैलेसीमिया है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, मेटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ है और इन्फेक्शियस डिजीजेज है। तो थैलेसीमिया की हम लोगों ने बात की थी, वो कहता था थैलेसीमिया इज़ वन ऑफ द राइज इन पाकिस्तान, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है बच्चों में, और स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट उसने बताए हैं 3,000 to 4,000 चिल्ड्रन जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है, एंड मोर वायलेंट फॉर्म ऑफ डिजीज है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड थैलेसीमिया मेजर एवरी ईयर। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जैसे आपको पता है पिंक रिबन आजकल इंडिकेटर है इसके लिए, इसका सिंबल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 in every 9 पाकिस्तानी, मतलब 9 खवातीन अगर इकट्ठी करें तो उसमें से 1 मास जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के साथ रिपोर्ट होती है। सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इंसिडेंस रेट इन एशिया। तो ओवरऑल एशिया के अंदर उसने कहा है कि इसका इंसिडेंस रेट यानी कि न्यू केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। डेंगी फीवर की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो एंडेमिक इन पाकिस्तान, ये एंडेमिक है पाकिस्तान के अंदर विद द सीजनल राइज इन केसेस, और इसके केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। डेथ जो कि रिपोर्ट होती है फ्रॉम 2006 से 2011 तक बाई डेंगी फीवर, 2006 में 41 थी, 7 में 18 थी, 2008 में 17 थी, 2009 में 13 थी, 10 में 40 थी एंड 2011 के अंदर 210 थी। पोलियो का ये उन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ है 2008 के अंदर, 9 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर, 12 में एंड 13 में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो 2011 में 200 केसेस जो है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव हुए। तो 8 से 13 का स्टेटस ये है, और इसमें सबसे ज़्यादा पीक पे जो है वो 2011 के अंदर पोलियो हो गया। तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन विच पोलियोलाइटिस हैव नॉट बीन इरेडिकेटेड, इसमें से इरेडिकेट नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है वो मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की उसने बात की है, ओवरऑल क्या है। तो इन द 2010 मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट पर 1 लाख बर्थ्स अगर होती हैं फॉर पाकिस्तान इज़ 260, ठीक है, मतलब 1 लाख बच्चे में से 260 बच्चा जो है वो डेथ के साथ पैदा होता है, ठीक है। दिस इज़ कम्पेयर्ड विद दी 376.5 इन 2008 जो कि ज़्यादा थी, 2008 में ज़्यादा थी, एंड 541 इन 1990। सो द अंडर 5 जो है मॉर्टेलिटी रेट पर 1,000 बर्थ जो है वो 89 है, एंड द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी जो है वो एज ए परसेंटेज ऑफ अंडर 5 मॉर्टेलिटी इज 48। तो द नंबर ऑफ द मिडवाइफ्स अगर देखें पर 1,000 लाइव बर्थ के अंदर तो वो 10 है, एंड द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेथ फॉर प्रेगनेंट वुमेन इज 1 in 93 है। सो द सैड रियल इज दैट 80% ऑफ द मेटरनल डेथ्स आर प्रिवेंटेबल, वो प्रिवेंटेबल है। कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की होती है, जिसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वायरल हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, डायरिया है, डायसेंट्री है एंड स्कैबीज है। हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो हेल्थ केयर इन पाकिस्तान इज एडमिनिस्ट्रेड मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल द आउट पेशेंट विजिट्स, ठीक है, जिसमें 80% वो आउट पेशेंट विजिट्स को देखते हैं। द पब्लिक सेक्टर वॉज अंटिल रिसेंटली लेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हाउएवर द मिनिस्ट्री वॉज एबॉलिश्ड इन जून 2011 एंड ऑल हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली प्लानिंग एंड फंड एलोकेशन वर डिवेलप टू प्रोविंशियल हेल्थ, ठीक है, वो प्रोविंशियल हेल्थ के पास चले गए। सो डिपार्टमेंट विच हैड अंटिल नाउ बीन द मेन इम्प्लीमेंटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज इन पंजाब की अगर बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट इज द की डिपार्टमेंट इंट्रस्टेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब विद द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज की हेल्थ के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड द इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन जाहिर है हेल्थ का सेक्टर है तो वो इम्पोर्टेंट तो होगा। सो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू ए वेल डिजाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हेल्थ डिपार्टमेंट अक्रॉस द प्रोविंस इज डिवाइडेड इन टू
2461 BHQs, 293 जो है वो RSC, 88 जो है वो THQs है, 34 DHQs एंड 23 आपके जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स की उसने बात की है। नेक्स्ट जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है वो उसने प्रोवाइड की हैं, प्रिवेंटिव है, प्रिमिटिव है और क्यूरेटिव है। प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज के अंदर जो है वो फुली हमने काम करना है डिजीज़ की प्रिवेंशन के ऊपर, कोई फेटल इंजरी है, एक्सीडेंट है तो उसके ऊपर हमने काम करना है, ठीक है, रादर देन क्योरिंग देम और ट्रीटिंग देयर सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स को हमने क्योर नहीं करना। प्रिमिटिव के अंदर जो है वो सारी की सारी आपके पास कंट्रोल है ओवर देयर हेल्थ एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड देयर बाई इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, सो उनकी हमने ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्यूरेटिव केयर है, जिसमें आप इज द काइंड ऑफ हेल्थ केयर ट्रेडिशनली ओरिएंटेड टुवर्ड सीकिंग ए क्योर फॉर एन एग्जिस्टेंट डिजीज और द मेडिकल कंडीशन। ओवरऑल जो मेडिकल कंडीशन है उसको क्योर करने के लिए जो आपके पास सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो क्यूरेटिव की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और क्यूरेटिव में आपने क्या करना होता है कि आपने ओवरऑल डिजीज को जो है वो प्रिवेंट करना होता है, क्योर करना होता है। नेक्स्ट है आपके पास जो टोटल आपको स्टैट्स बताया हुआ है पंजाब के अंदर, तो उसमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज कैन हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज से उनको प्रिवेंट करना है, टू गेट गेनफुली एम्प्लॉयड एंड डू अवे विद रिलायंस ऑन अदर्स। दिस इंक्लूड्स मीटिंग द फिजिकल, साइकोसोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज व्हाइल इनकॉर्पोरेटिंग द नर्सिंग एंड रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस। Such services should be provided to all the patients in both inpatient and outpatient setting at all levels of the care. और आपने every level of care के ऊपर जाकर जो है वो patients को facilitate करना है, ठीक है, जिसमें आपने उनकी physical, psychosocial, emotional, spiritual सारे needs को जो है उनकी family की जितनी भी problems हैं उनको देखना है, उसके according आपने जो है वो उनको rehabilitate करना है, उनके साथ आपने जो है वो एक liaison बना। तो ओवरऑल जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें आउटरीच एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज आ जाती हैं, विच फोकसेस ऑन इम्यूनाइजेशन है, सैनिटेशन है, मलेरिया है और मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग है। हाँ उसमें भी ये आ जाता है, लेकिन ये हमारी ओवरऑल जो हमारे आपके कंट्री की है ये उसके अंदर वो सर्विसेज की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो है वो आपकी अपनी उसके जो कंट्री है उसके अंदर वो बात कर रहे हैं। अब इसमें जो BHUs हैं, RHCs वगैरह हैं जो कि प्रिवेंटिव हैं, ठीक है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स दोनों जो है लेवल के पेशेंट्स जो है वो आ जाते हैं। और इसमें उसमें मेनली मेनली जो बेसिक केयर होती है वो BHUs वगैरह के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है वो उसके ऊपर काम करना होता है। सेकेंडरी जो लेवल की केयर है वो आपकी हॉस्पिटल साइड पर चली जाती है, जिसमें आपके डिफरेंट DHQs आ जाते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स है और आपकी जो है वो THQs है, तहसील हेड क्वार्टर्स है। तो ये उस लेवल पे जब बात करते हैं और ये केयर प्रोवाइड करते हैं बोथ ऑन इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दोनों में काम करते हैं एंड ऑल्सो स्पेशलिस्ट केयर। और अगर कोई स्पेशलिटी का केस है, स्पेशल मतलब जैसे न्यूरो है, ठीक है, आपका ऑर्थोपेडिक है, तो आपको जो है वो टर्फी केयर हॉस्पिटल के अंदर भी वो रेफर कर देते हैं रेफरल बना के। तो नेक्स्ट जो हमने रेफरल की बात की थी वो है टर्शरी केयर, जिसमें जो है वो आपको स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड की जानी है। तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन द मेजर सिटीज फॉर दी मोर स्पेशलाइज्ड इन पेशेंट केयर, तो ये लोकेटेड होते हैं मेजर सिटीज के अंदर और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड इन पेशेंट केयर के ऊपर जो है वो ये फोकस करते हैं। तो ओवरऑल पंजाब का जो हेल्थ का प्रोफाइल है, मॉर्टेलिटी रेट 1000 बर्ड्स में वो 77 है, ठीक है, 10,000 में 300 है, अंडर 5 ईयर मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 112 है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 4.7 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एज पर उन्होंने जो बताई है वो है आपका 64, नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है वो 151 है, डिस्पेंसरीज जो है वो 194 है, RSC जो है वो 293 है, BHUs जो है वो 2,461 है एंड टोटल नंबर ऑफ बेड्स जो है वो 37,272 है। तो ये ओवरऑल जो हेल्थ प्रोफाइल है ये उसने उसकी बात की है। तो इस ओवरऑल हेल्थ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितने भी हमारे इसमें गैप्स हैं उन गैप्स को हमने कवर करना है, ठीक है, हमने बेसिक केयर जो कि प्रोवाइड होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो आपने प्रोवाइड करनी है।
ताकि जो है वो आप उस गैप्स को जो है वो खत्म कर सके। अब इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, इस स्लाइड से रिगार्डिंग किसी का भी कोई क्वेश्चन है। जैसे मारिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर वाले चैप्टर में भी ये आ जाता है, हम उसमें भी इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ में जो है हम इसको स्पेसिफिकली टैकल नहीं कर रहे होते मारिया, हमने ये अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो बात की है। हाँ जी, ममूना, मरियम, इरम, रोहिल, फातिमा, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क प्लीज, क्योंकि बीच में वॉइस का बहुत इशू रहा है, ठीक है? तो वो सिस्टम की वजह से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। आई डोंट नो कि चैप्टर 10 है कि 11 है, ठीक है? इस किस्म के बदतमीज सवाल मुझसे ना आप पूछा करें। मैंने आपसे ओवरऑल पूछा है कि कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, ये आप, आपको भी नहीं पता कि चैप्टर 10 है चैप्टर 11 है, अजीब बदतमीजी है वैसे ये। बीच में वॉइस का इशू था, अगर किसी का बेटा कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है? किसी का कोई इशू है मुझसे पूछे, मैं ऑनलाइन बैठी हुई हूँ, यू कैन आस्क प्लीज। नहीं सुंबल बेटा, मेरा गला नहीं खराब है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि पहले मैं घर पे लैपटॉप पे से अपने लैपटॉप पे ले रही थी, आज जो ये आपकी क्लास है ना ये इधर है कंप्यूटर का, जो आपकी आईटी है ना आईटी लैब, ये उधर के सिस्टम से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये डिफरेंस आ रहा है। पहले जो आपको शायद क्लियर आ रही थी, मैं शायद अपना लैपटॉप यूज कर रही थी, माइट बी वहाँ वॉइस का डिफरेंस हो, आई डोंट नो सुंबल, बट मैं तब भी ठीक, अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं अच्छे से बोलूँ, मैंने रिफ्रेश भी किया, लेकिन डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आज मैं आईटी लैब से क्लास ले रही हूँ।